वास्तु के आसान उपाय। वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती है। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।